पर डाल लो। फिर बहुत मार, बहुत मारा, कह रहे थे कबूल कबूल, हमारा बाप कैसे बीमार हुआ। तो सर काम होता मैं कैसे बीमार हो, का डॉक्टर है कि हम कोई जानकारी है कौन होगा। एक लोगों की हत्या हुई, कौन थे? वो भी गांव का है। पहले आपके साथ मारपीट हुई थी? हाँ सर, पहले तुम्हारे साथ पहले हमें, फिर वन देख बताओ कही या कार्रवाई नहीं करना मोदी, ना तेरा परिवार नष्ट। तंत्र मंत्र का ऐसा झोल जिसने देखते ही देखते एक बुजुर्ग की जान ले ली और एक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जी हाँ, ये मामला कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र का है, जहाँ हमीरपुर नारखास गांव के रहने वाले शिव सिंह का आरोप है कि उनके पिता मन्नू लाल को गांव के ही रहने वाले सुनील खेतों में लगे बोरिंग से पानी का हिसाब करने के बहाने से घर से अपने साथ खेत में लगे ट्यूबवेल के कमरे में ले गए और फिर लाठी डंडों से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। बात सर कुछ नहीं हुई, ये आए सुनील, मेरे पिताजी घर पे बैठे थे, सुनील आए, सुनील बोले कि चलो चचा समर का हिसाब करते हैं कहीं हैं हैं, वहाँ पे जाके हैं कमरे में बंद किया। तीनों भाई ने इतना मारा कि पूरा बेहाल कर दिया, टट्टी पे साहब ऐसी ढीह मारा है कि वो थोड़ी थोड़ी सांसें थी जो रास्ते में उनकी डेड बॉडी हो गई सरकारी अस्पताल आते आते। हिसाब उनके पास समर लगी है, सुनील के पास, सुनील का था समर थी, वे बोले कि चलो चचा हिसाब कर लेते हैं, और बस इसी बहाने से ले गए कमरे में बंद किया और बंद करके उनको बहुत मारा कि रास्ते में मर गए, एम्बुलेंस ला रहे थे। अरे साहब क्या बताएं, किस चीज के लिए बुलाया था? हाँ हिसाब का एक बहाना था। मेरा एक भतीजा गया है, देखो भतीजे को पता चला कि चचा के समर पे गए थे, जाए कि देखो बुला ला में जाए है, जब वहाँ गया तो वहाँ पे चचे को इतना मार रहे, भतीजा मेरे अम्मा को आया लिवा के, फिर देखो लिवाने आया गांव, अब है अब गांव से काफी दूर थी उनकी समर, तो समर के कमरे के अंदर थे वो, हाँ, थे अंदर थे हाँ हाँ वहीं पे पड़े मिले। और फिर जब मेरी माता जी गई है, जब उन्होंने छोड़ा और छोड़ के सब लोग भाग गए। वहीं दूसरी ओर थाने में घायल स्थिति में लेटे ये उसी गांव के राम प्रकाश है, जिनका कहना है कि वो चक्की से दाना पिसवा कर साइकिल से घर लौट रहे थे। उनका आरोप है कि तभी गांव के रहने वाले राम अवतार ने खेत में लगी बोरिंग पर राम अवतार के तीन लड़कों सुनील पप्पू प्रदीप ने उनको रोक लिया, फिर एकदम से पीटने लगे और कहने लगे बताओ मेरे पिता कैसे बीमार हुए। यहां राम प्रकाश का कहना है कि मन्नू लाल को भी उन्हीं लोगों ने मारा है। इसी साइकिल रोकी से समर को लो तो पहले पकड़ो समर के अंदर डाल लो, फिर बहुत मारा, कह रहे थे कबूल कबूल, हमारा बाप कैसे बीमार हुआ। तो सर काम था मैं कैसे बीमार हो, का डॉक्टर है कि हम कोई जानकारी है कौन होगा। एक लोगों की हत्या हुई, कौन थे? वो भी गांव का है। पहले आपके साथ मारपीट हुई थी? हाँ सर, पहले तुम्हारे साथ पहले हमें, फिर वन देख बताओ कही या कार्रवाई नहीं करना मोदी, ना तेरा परिवार नष्ट कर। इस मामले में पुलिस का कहना है कि हमीरपुर गांव के रहने वाले शिवशंकर ने थाने में आकर तहरीर दी कि गांव के रहने वाले सुनील उनके पिता मन्नू लाल को बहाने से घर से बोरिंग पर ले गए थे। सुनील और उनके दोनों भाइयों ने उनके साथ मारपीट की, जिससे घायल स्थिति में अस्पताल ले जाने पर उनकी मौत हो गई। सीओ रसूलाबाद आशा पाल ने बताया कि तहरीर पर कार्रवाई की जा रही है। थाना रसूलाबाद के अंतर्गत शिव सिंह निवासी हमीरपुर मजरा नारखास ने आकर लिखित तहरीर दिया कि मेरे पिता मन्नू लाल को गांव के सुनील कुमार बोरिंग के पैसे के हिसाब के बहाने मेरे घर से अपनी बोरिंग पर ले गए, जहां सुनील के दो भाई और मौजूद थे, आपस में कहा सुनी मारपीट हुई जिससे पिताजी के काफी चोटें आई, जिनको एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल रसूलाबाद लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लिखित तहरीर पर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
यहाँ पुलिस थाने में घायल पड़े बुजुर्ग व्यक्ति राम प्रकाश का जिक्र भी नहीं कर रही है, लेकिन राम प्रकाश ने अपने बयान में बताया कि उनके साथ राम अवतार के तीनों बेटों ने मारपीट की और मन्नू लाल की भी हत्या उन्होंने ही की है। यहाँ साफ तौर से पुलिस की ढिलाई और लापरवाही साफ नजर आ रही है। हालांकि इस मुद्दे पर चर्चा तेज है। कानपुर देहात से सूरज सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।